रवीना टंडन भारतीय फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने अपने अभिनय की वजह से कई सारी जनता का प्यार बहुत ही कम समय में हासिल किया है। रवीना टंडन न केवल एक अभिनेत्री के रूप में ही जानी जाती हैं, बल्कि उन्हें फिल्म निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। रवीना ने फिल्मों की दुनिया में सफलता पाने के बाद कुछ टीवी रियलिटी शोज में भी जज और होस्ट की भूमिका निभाई है। रवीना टंडन द्वारा अभिनय किए गए फिल्मों की बात करें तो उन्होंने पत्थर के फूल, एक ही रास्ता, इंसानियत, लाडला, अंदाज अपना अपना, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, आंटी ना, एक दूल्हे राजा, बड़े मियां छोटे मियां, अक्स आँखियों से गोली मारे, एक हिंदुस्तानी, ये लम्हे जुदाई के, सैंडविच, बॉम्बे वेलवेट, शफ जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शकों के बीच पेश किया है। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। रवीना के पिता का नाम रवि टंडन है, जो पेशे से एक निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मां का नाम वीना टंडन है। रवीना का नाम उन्हीं के माता पिता के नाम से बनाया गया था। रवि और वीना को जोड़कर रवीना नाम रखा था। रवीना के एक भाई है जिनका नाम राजीव टंडन है। राजीव भी पेशे से एक अभिनेता है। रवीना ने अपने स्कूल की पढ़ाई जमनाबाई नर्सी स्कूल मुंबई से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने मीठी बाई कॉलेज मुंबई में अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए दाखिला लिया था। रवीना को अपने कॉलेज के दूसरे साल में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था, क्योंकि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कॉलेज के प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। रवीना को बचपन में IPS ऑफिसर या फिर पायलट बनना था। उन्होंने कभी भी अभिनेत्री बनने की कल्पना नहीं की थी। रवीना ने फिल्मों में अपने अभिनय की शुरुआत साल 1991 से की थी। रवीना ने अपने कॉलेज के दौरान एक कंपनी में इंटर्नशिप की थी, जहां सभी ने उनकी सुंदरता की तारीफ करते हुए उन्हें फिल्मों में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उस कंपनी के मालिक के कहने पर ही रवीना ने अपनी पहली फिल्म पत्थर के फूल में अभिनय करने के लिए हामी भरी थी। रवीना ने इस फिल्म में अभिनेता सलमान खान के साथ मुख्य किरदार को दर्शाया था। फिल्म के निर्देशक अनंत बलानी थे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में बेहतरीन कमाई की थी। साल 1992 में रवीना ने फिल्म जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी थे और फिल्म में रवीना ने आशा नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में रवीना ने अभिनेता संजय दत्त के साथ अभिनय किया था। फिल्मों में आने से पहले रवीना संजय दत्त को बहुत पसंद करती थी और इस फिल्म में दोनों ने बेहतरीन अभिनय किया था। साल 1993 में सबसे पहले रवीना ने फिल्म पहला नशा में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक आशुतोष गोवारिकर थे और फिल्म में रवीना ने अवंतिका बजाज नाम का किरदार अभिनय किया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को पूजा भट्ट, रवीना टंडन और दीपक तिजोरी ने अभिनय किया था। इस फिल्म को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। इसके बाद उसी साल रवीना ने फिल्म दिव्या शक्ति, क्षत्रिय परंपरा, एक ही रास्ता जैसी फिल्मों में अपने अभिनय को दर्शाया था। साल 1994 में रवीना ने फिल्म जमाने से क्या डरना में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक बॉबी राज थे। इसके बाद उसी साल रवीना ने फिल्म दिलवाले में अभिनय किया था। इस फिल्म में उन्होंने सपना नाम के किरदार को दर्शाया था और फिल्म के निर्देशक हैरी बवेजक थे। इसके बाद उसी साल उन्हें फिल्म इंसानियत में ही अभिनय करते हुए देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक टोनी जुनेजा थे और फिल्म में रवीना ने सलमा नाम के किरदार को दर्शाया था। उसी साल रवीना की एक फिल्म ने ब्लॉकबस्टर कमाई के साथ अपना नाम उस साल की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म के रूप में दर्ज किया था। उस फिल्म का नाम मोहरक था। इस फिल्म के निर्देशक राजीव राय थे और फिल्म में रवीना ने रोमा सिंह नाम के किरदार को दर्शाया था। इसके बाद उसी साल रवीना ने फिल्म लाडला में अभिनय किया था। इस फिल्म के निर्देशक राज कंवर थे और फिल्म में रवीना ने काजल नाम के किरदार को दर्शाया था। साल 1994 में ही रवीना को फिल्म अंदाज अपना अपना में मुख्य किरदार को दर्शाते हुए देखा गया था। इस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी थे और फिल्म में रवीना ने रवीना अलियास और करिश्मा नाम के किरदार को दर्शाया था। इस फिल्म में मुख्य किरदारों को रवीना टंडन, सलमान खान, आमिर खान और करिश्मा कपूर ने अभिनय किया था।